हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। आज हम जुकनी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 400 ग्राम के बराबर जुकनी मैंने ले ली है, इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। इसके बाद हम इसके साइड्स कट कर लेंगे और अब इसे मनपसंद शेप में, जैसे भी पीसेस आपको पसंद है उस तरीके से हम इसे काट लेंगे। तो मैं इस तरीके से पहले इसके बड़े बड़े पार्ट्स कर रही हूँ, इसके बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। तो इसके बीज बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं, पर यदि बीज थोड़े बड़े हैं और हार्ड हैं, जैसे कि हम लौकी में करते हैं, वैसे ही यदि बड़े होते हैं और हार्ड होते हैं तो हम लौकी के बीज हटा देते हैं, उसी तरीके से हटा सकते हैं। इसको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एकदम कद्दू की तरीके की सब्जी होती है, इसीलिए इसका छिलका भी ईजीली कुक हो जाता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने यहाँ पे इसे कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए हम इसकी सब्जी एकदम देसी अंदाज में बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए गैस पे मैंने ये पैन रखा है और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तो मैंने लगभग एक बड़े चम्मच जितना तेल यहाँ पे गरम कर लिया है। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जितना, प्याज डाल देंगे। तो दो छोटे साइज की प्याज को छोटे छोटे पीसेस में कट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लेने के बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। तो एक हरी मिर्च मैंने डाल दी है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी हरी मिर्च को डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया है। ये देखिए, जब प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने, टमाटर भी छोटे साइज के थे। और इसके साथ ही हम हल्दी डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, मैंने आधा छोटा चम्मच जितना डाला है, और इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए टमाटर को 2 से 3 मिनट तक पकाना है। टमाटर को एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़े से बड़े पीसेस में रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा भी इसे कट किया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं टमाटर को चलाते हुए। अब हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन दोनों को भी मिक्स कर लेंगे। तो मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमने इस तरीके से चला लिया, मसाला भी हमारा पक गया है। अब हम यहाँ पे जो कटी हुई जुकनी रखी हुई थी ये डाल देंगे। तो जुकनी को पहले से फ्राई करने की या बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हम बनाएंगे एकदम कम तेल में और सिंपल तरीके से, तो भी ये बहुत ही बढ़िया लगेगी, एकदम टेस्टी लगेगी। मिक्स कर लेंगे हम इसे, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसे पकाने वाले हैं ढक करके। तो अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है, फिर इस तरीके से फैला दिया है, और अब हम इसे ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे एकदम लो फ्लेम पे। तो मैंने इसे ढक दिया है, आप चाहें तो बीच बीच में चला भी सकते हैं, मैंने इसे बीच में एक बार चलाया है। 5 से 6 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे, इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यदि थोड़े से भी पीसेस हार्ड लगते हैं तो हम इसे ढक करके फिर से पकाएंगे, नहीं तो ये जो है इजीली कुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2-4 पीसेस मैंने चेक कर लिए, जुकनी बिल्कुल इजीली कुक हो गई, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई है, ये बहुत ही इजीली कुक हो जाती है। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम जो है मीडियम हाई कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक जो है हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अब हमारी सब्जी एकदम परफेक्टली बन करके रेडी हो गई है। धनिया पत्ता डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इस सब्जी को आप चावल के साथ या रोटी के साथ या पूड़ियों के साथ भी सर्व कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। सब्जी हमारी बन करके तैयार है, गैस का फ्लेम बंद करते हैं और बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगती है सब्जी, एकदम कद्दू और लौकी जैसी सब्जी है, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं कुक विद मनु पर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।